इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं सिंपल से स्टेप बताऊंगा, इस स्टेप को आप फॉलो कर लीजिएगा तो आप सक्सेसफुली जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर पाइएगा। तो क्या करना है, पहला स्टेप है कि आप गूगल में सर्च कर सकते हैं upsconline.nic.in, ये पहला ऑप्शन है। या तो आप दूसरा, आपके पास ऑप्शंस रहेगा, मैं जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, डायरेक्ट लिंक, उस लिंक पे आप क्लिक करना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर चेंज एग्ज़ाम सेंटर, सेकेंड स्टेप में परीक्षा केंद्र बदलने के लिए ऑनलाइन निवेदन, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देन हम लोग जब इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्टार्ट हो चुका है 26/7 से, क्लोज हो जाएगा 30/7 तक शाम को 6 बजे। और एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम सेंटर तभी चेंज होगा अगर उसमें स्लॉट अवेलेबल होगा, सीट अवेलेबल होगा तभी। तो इस बेसिस पे जो है आप जितना जल्दी हो सके अपने एग्ज़ाम सिटी को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, क्यों करना चाह रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम सेंटर्स को चेंज करूँ, इसका पीछे रीज़न्स है। जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है पीजी में रहते थे या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे रहते थे, दिल्ली पे, मुखर्जी नगर और भी कई सारे, तो क्या हुआ है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शिफ्ट हो चुके हैं अपने घर पर, तो घर के आसपास जो भी सेंटर होगा वहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो इस रीज़न से जो है सब अपना एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर OTP, इसको कृपया ध्यान रखिए कि आप अगर शाम को 5:30 तक ही आप OTP जनरेट कर सकते हैं 30 तारीख को, मीन्स 30 तारीख को 5:30 ही आपका लास्ट टाइम है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, आपको तो क्या कर सकते, स्नैप स्पैम बॉक्स होगा आपके वहाँ पे, ड्राफ्ट स्पैम सेंड, वहाँ पे आपको मेल मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मेल आपको रिकमेंड होगा, जो भी OTP भेजा जाएगा। अगर आपको पास कुछ भी क्वेरीज है तो आप जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे या मेल आईडी, उसमें फ़ोन कर सकते हैं 011-233-8808 या 230-98-591, इसमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं या UPSC को मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर को जो है चेंज करेंगे, क्लिक हेयर पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है प्रॉपरली आप फॉलो कर लीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा येस करके। आप यहाँ पे रेसिडेंस आईडी डालना है, जो भी रेसिडेंस आईडी है आपका, मैं अपना रेसिडेंस आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, आपका जो भी रेसिडेंस आईडी होगा उसको डालिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चा को डालिएगा, कैप्चा अगर समझ में नहीं आ रहा है आप कैप्चा को चेंज भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी को मैंने डाला, अब हम लोग अपना कैप्चा जो है इसको डालेंगे, BR6P14। ठीक है, BR6P14, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कैप्चा को ध्यान से डालिएगा और यहाँ पर बताया जा रहा है कि डू यू वांट टू चेंज एग्ज़ाम सेंटर, या आप जो चेंज सेंटर चेंज करना चाह रहे हैं वो सिविल सर्विस के लिए और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो यस या नो आप आगे बढ़िए। यस तो आप आगे बढ़ना है, नो तो आप वहीं से जा सकते हैं। OTP हैज़ बिन सेंट, यू रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। OTP चेंज करने के लिए जो मेरे पास OTP आ चुका है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल नंबर और मेरा डिवाइस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सेम है। देन हम लोग कॉपी करके आगे बढ़ेंगे सबमिट करके। ठीक है, पेज ओपन होने में कुछ टाइम लेट है, मैंने फिर से मेरे को एक OTP आया जिसका वैलिडिटी 30 मिनट्स तक है। ठीक है, तो इसका पेज आ गया कि मेरा रेसिडेंस आईडी आ गया, मेरा नाम आ गया, मेरा ऑप्शन टू चेंज एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे मैंने ऑप्शन चूज किया है येस, नेम मेरा है, मेरा पापा का नाम है, मेरा मम्मी का, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, रीज़न क्या है COVID-19, मैं सेंटर तो कोलकाता है मेरा, आर यू ऑप्शन रिक्वायरमेंट टेस्ट सेंटर, तो यहाँ पे नो रिसेंट लॉक्ड फेज ऑन। तो यहाँ पे हम लोग मेरे आसपास इससे बेहतर मेरे को सेंटर कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, एक सेंटर्स नॉट अपेयरिंग इन दिस लिस्ट आर ऑलरेडी फुल, देखिए ऐसा कुछ आपको दिखाया अगला। ठीक है, तो जी ऑल वारंगल
तो ऐसा अगर दिखा रहा है कि सेंटर आपका फुल हो चुका है तो हो सकता है क्योंकि वहाँ पे सीट ना हो, तो कोई अगर चेंज करता है बीच में तो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तभी आप इसको कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपने सेंटर चेंज करके रखिएगा और फाइनल ओटीपी को डाल के, फाइनल ओटीपी को डाल के आप इसको जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नहीं कर रहा, मुझे नीड नहीं है, मेरे को एक ओटीपी आया है, मैं ओटीपी को यहाँ पे डालूँगा एंड फाइनल सबमिट कर दूँगा तो हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। तो आप भी इस स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं। सिंपल सा अपडेट था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।